यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है श्री श्री गोवर्धन पर्वत दर्शन का, पूरा गेट बना हुआ है सुंदर से। तो हम गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं, अंदर फोटोग्राफी मनाई है जैसे कि मैंने पहले कहा था, तो इसलिए अंदर का व्यू आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बाहर जाके आपसे बात करता हूँ। तो गिरि गोवर्धन मंदिर का दर्शन कर लिया और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पे। यहाँ पे हर घर में एक एक मंदिर है, ये देखिए ये एक मंदिर राम जानकी मंदिर। आज ना इस परिक्रमा पे निकल के जो मथुरा वृंदावन का जो गांव का पेड़ पौधे उसका जो आनंद है वो थोड़ा थोड़ा मिलने लगा है। ये है श्री गंगा गोवर्धन मंदिर और इसका एंट्रेंस इस तरफ से है, चलिए चलते हैं अंदर। ये है प्रवेश द्वार श्री गंगा गोवर्धन मंदिर का, सामने दुकान वगैरह लगा हुआ है, यहाँ से आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। इस तरफ पूरा जैसे फाउंटेन जैसा लगा हुआ है, पानी गिर रहा है, आप नहा सकते हैं। और यहाँ पे एक सरोवर है, तो ये जो सरोवर दिख रहा है इसे कहते हैं मानस गंगा। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से इसे प्रकट किया था गंगा जी को यहाँ पे, तो इसीलिए इसका नाम हुआ मानसी गंगा। और ये जो मंदिर है वो गंगा गोवर्धन मंदिर है। ये हम लोग एक परिक्रमा कर रहे हैं गंगा मैया का मंदिर, ये रही गंगा मैया का मंदिर और ये है गिरिराज गोवर्धन जी का मंदिर। वहाँ पे गोवर्धन जी की छोटी सी एक टुकड़ा रखा हुआ है गोवर्धन पर्वत का। हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पे एक गिरि गोवर्धन गंगा गोवर्धन के पास एक शिव मंदिर है, तो उस शिव मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं और मानसी गंगा के किनारे किनारे चल रहे हैं। हमारी बाई तरफ है मानसी गंगा और शिव जी दर्शन नहीं दे रहे हम लोगों को, शिव जी का दर्शन करते हैं। कहाँ हो भोलेनाथ। तो ये रहा चक्रेश्वर महादेव की मंदिर और हम महादेव के दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ देखिए शिवलिंग, नंदी भगवान, हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है और अंदर चक्रेश्वर महादेव की मंदिर। तो अभी चलते हैं अंदर जाके देखते हैं। ये देखिए मंदिर के सामने ही नंदी भगवान बैठे हैं और अंदर है चक्रेश्वर महादेव। ये मंदिर का गर्भगृह और यहाँ पे नीचे है चक्रेश्वर महादेव जी और जल से उनका अभिषेक करवाया जा रहा है। यहाँ पे 5 शिवलिंग है, सभी का अभिषेक करवाया जा रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर। श्याम कुंड में जो है उन्हें बोला जाता है पाताल गंगा, ये है मानसी गंगा। और राधा कुंड में एक और गंगा देवी है। अभी मानसी गंगा के चक्रेश्वर महादेव मंदिर के सामने से हम निकल रहे हैं और गिरि गोवर्धन के अंदर से जाके बाहर निकल जाएंगे। ये पूरा रास्ता पानी से भर गया है, 100 मीटर का एक स्ट्रेच होगा और वो दूर गोवर्धन की थोड़ी थोड़ी झलक दिख रही है। ये देखिए पुछरी का लोटा मंदिर, यहाँ पे भगवान शिव जी का एक शिवलिंग है और यहाँ है प्राचीन पुछरी का लोटा मंदिर। ये श्री कृष्ण का बंधु मधुमंगल जी का मंदिर है, ये रहे मधुमंगल जी के मूर्ति अंदर। ये शंकर भगवान जी का नहीं, ये शिव जी नहीं कृष्ण जी की बंधु मधुमंगल का मंदिर था और यहाँ पे सामने शंकर भगवान का एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट मंदिर में। अब हम लोग आए हैं गिरि गोवर्धन मुखारविंद पे दर्शन के लिए। ये है गिरि गोवर्धन मुखारविंद, कहा जाता है कि यहीं से श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और ये रही ऊपर मूर्ति, श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए और उनके आसपास ब्रजवासी। तो हम लोगों का मुखारविंद दर्शन हो गया पर ये नया वाला है, एक पुराना वाला मुखारविंद है जो ओरिजिनल है, वहाँ पे हम जाना चाहते हैं तो टुकटुक वाले से फिर से बात करना पड़ेगा और रात को ट्रेन भी है, तो इसलिए थोड़ा हम लोग हिचकिचा रहे कि जाए कि ना जाए।
पर देखते हैं बात करके, अगर ले जाता है तो दर्शन करके आएंगे। और ये मुखारविंद के सामने की गली में पूरा मार्केट लगा हुआ है, मिठाई की दुकान, और यहाँ से दूध ले जाके आप भगवान को चढ़ा भी सकते हैं। लस्सी और बहुत सारे मिठाइयाँ मिल जाएगी, और भगवान की मूर्ति और बहुत सारी चीज़ें, पूजा की सामग्री सब यहाँ पे मिल जाएगी आप लोगों को। अभी हम आए हैं धानघाटी मंदिर में, और ये है धानघाटी मंदिर। तो अभी अंदर चलते हैं और प्रणाम करते हैं। तो हम हैं धानघाटी मंदिर के अंदर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान की प्रतिमा और गर्भगृह। उस तरफ फोटो खींचना मना है, तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत आएगा तो आप देख सकते हैं। और ये रहा अंदर का कैंपस, और अभी दर्शन करके हम बाहर जा रहे हैं। और परिक्रमा का शायद ये आखिरी मंदिर था। ये रहा धानघाटी मंदिर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वापस, और इस मास्क को उतार देते हैं। तो दूसरा जो गाड़ी है वो अभी तक आया नहीं है, तो उसका वेट कर रहे हैं। वो आने के बाद हम यहाँ से जाएंगे राधा कुंड की ओर। उस साइड में है राधा कुंड का रास्ता, और उस तरफ गाड़ियाँ नहीं जाती क्योंकि वो परिक्रमा स्थल है, और कल राधाष्टमी है तो इसलिए बहुत भीड़ जमा हो गई है। और कल 2-2.5 लाख लोग यहाँ पे राधा कुंड में स्नान करेंगे सुबह सुबह, तो इसलिए ये पूरा एरिया में नो एंट्री लगा दिया गया है। पूरा दिन के घूमते घूमते अभी थकावट धीरे धीरे शरीर को जकड़ने लगा है। अभी जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, और 4-4:30 बजे हम निकल जाएंगे मथुरा के लिए। वहाँ जाके हमें ट्रेन पकड़ना है, और कल पहुँच जाएंगे हम बनारस यानी काशी, शिवजी की नगरी। जिधर भी देखिए आप भक्तों का भीड़ लगा है, सब भक्त है यहाँ पे, और हर घर में एक एक मंदिर है। ये एक अलग ही परिवेश है, तो आप आएंगे तो आपको फील होगा। यहाँ पे भागवत पाठ चल रहा है, जहाँ पे मेरी मौसी रहती है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, और उनके रूम से ही पूरा भागवत पाठ सुनाई देता है। आराम से थोड़ा रेस्ट करेंगे भागवत पाठ सुनते सुनते, और उसके बाद निकलेंगे मथुरा के लिए। तो हम लोग निकल रहे हैं राधा कुंड से राधा रानी का आशीर्वाद लेके, और अभी हम लोग जाएंगे मथुरा की ओर। हम लोगों को टुक टुक मिल गया है, और अभी जा रहे हैं गोवर्धन बस स्टैंड। और हम लोग का ट्रॉली जगह नहीं हो रहा था, तो भैया ने यहाँ पे फिट कर दिया है ड्राइविंग सीट के बीच में ही। अभी जा रहे हैं बस स्टैंड पे, वहाँ जाके ऑटो करना पड़ेगा मथुरा के लिए। और आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा यहाँ पे, क्योंकि कल राधाष्टमी का स्नान है और राधाष्टमी का मेला लगता है, तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग तो राधाष्टमी का स्नान नहीं देख पाएंगे, टाइम की शॉर्टेज की वजह से इस टाइम सारी जगह देख नहीं पाए हम लोग। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब कोशिश करेंगे कि सब जगह देख के जाए। तो हम लोग गोवर्धन बस स्टैंड पे आए, और ये सिटी बस मिल गया हम लोगों को। अभी जा रहे हैं मथुरा स्टेशन पे। हम लोग आ चुके हैं मथुरा स्टेशन के सामने, यही है मथुरा स्टेशन, सामने लिखा हुआ है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं अंदर, जाके थोड़ा खाना वाना खाएंगे, क्योंकि सुबह खाए थे उसके बाद परिक्रमा में चले गए, और वापस आके खाने का टाइम ही नहीं मिला। तो अंदर जाएंगे, जाके थोड़ा खाएंगे, और अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं, और अभी ट्रेन आने में 2 घंटा बाकी है। ऊपर से ट्रेन 35 मिनट्स लेट चल रहा है। तो स्टेशन में पहुँच के थोड़ा खाने का ढूँढ रहे हैं, जनाहार कदर है। तो ये फूड प्लाजा है यहाँ पे, तो यहीं पे कहीं खाना पड़ेगा। फाइनली यहाँ पे मिल गया एक भोजनालय SB कैटरिंग करके, तो वहाँ पे खाना खा लेंगे। तो मैं मम्मी और बहनों को ले आता हूँ, और आके फिर यहाँ से खाना खा लेंगे, खाकर फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है। चलिए, हम लोगों का खाना हो गया, प्लेन थाली ऑर्डर किया, वेज थाली, और छोटी बहन ने खाया डोसा। तो अभी खाना खा के मस्त प्लेटफॉर्म में जाके वेट करते हैं। ट्रेन थोड़ा लेट चल रहा है, कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म में वेट करेंगे, बस कल पहुंचाते वक्त लेट ना करवा दें। तो हम स्टेशन पे बोर्ड कर चुके हैं, और अपना सीट भी मिल गया है। तो अभी
इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलता रहे। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ। राधे राधे।